अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन समतल 87। इसके अंतर्गत प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से अपवर्तित हो रही हो तो उसके मार्ग को उत्क्रमित करने पर वह जिस मार्ग से जा रही है उसी मार्ग से विपरीत दिशा में लौट जाती है। इसे प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। पी क्यू एक अपवर्तक पृष्ठ है जो कांच का बना है। ए ओ आपतित किरण तथा ओ बी अपवर्तित किरण है। यदि किरण के मार्ग को उत्क्रमित कर दें तो वह ओ ए दिशा में वापस लौट जाता है। ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। समीकरण एक, यदि प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करें तो जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आर बाई साइन आई। समीकरण दो, एक और दो से ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई या ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन आई और साइन आर कैंसिल होगा, साइन आर या ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 बाई जी म्यू ए। यही उत्क्रमिता के सिद्धांत है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पी क्यू आपतित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण, आर एस निर्गत किरण, कोण एस कोण डेल विचलन कोण, कोण आई आपतन कोण, कोण आर अपवर्तन कोण, कोण ई निर्गत किरण निर्गत कोण। क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांति कोण, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के उस मान को जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है क्रांति कोण कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बजाय उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। शर्तें या प्रतिबंध, पहला प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा आपतन कोण के मान क्रांति कोण के मान से अधिक होना चाहिए। प्रश्न, प्रकाश वायु में 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हल, कांच में प्रकाश की चाल पान वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ बाई 1.50 300×10⁸ बाई 150 150 से कम 150 दूने 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड।